बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी टीम इस टाइम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शौकत सुल्तान साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सस्ता बाज़ार या ये जो सस्ता आटा आता है, ये गरीबों के लिए आता है और ये किस तरह तकसीम होता है और ये कौन सी मिल्स से आता है और ये कितने तोड़े तकसीम किए जाते हैं। आया के जो आटा आता है गरीबों के लिए, उसको जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब हैं, जो इंचार्ज साहब हैं, वो चेक करते हैं या चेक किए बगैर जो है वो दिया जाता है। शुरू से थोड़ा आपको तो आप मीडिया वाले शुक्र साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ लाए, मीडिया एक हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में अपना काम रखता है, तो उस वजह से वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अपनी तरीके से तो मैं आपको इसके सारे बैकग्राउंड पूरे मुल्क में आपको पता है कि आटे का इस्तेमाल कैसे है। यहाँ पे सब सारा आटा तकसीम हो रहा है, पूरे मुल्क में आटे की शॉर्टेज है। उसकी पॉलिसी गवर्नमेंट जैसे ना ये कि अगर प्राइवेट आटा 17-18 सौ रुपये मिल रहा है पीस के जी, सरकारी आटे का रेट 980 रुपये है पीस के जी, तो तकरीबन 50% उसमें गुंजाइश है रेट में डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई कि सरकारी आटा दिया जाए कहाँ के मार्केट में ज़्यादा रेट और ना बढ़े, 18 सौ तक आप देखने जा रहे हैं, 17 सौ उतना रेट में आपका रेट में आटे का चल रहा है, ताकि और मजीद ना बढ़े इस तरह से सरकारी कोटा शुरू किया 980 रुपये के रेट। अब मैं हरीपुर की बात करवाता हूँ। जैसे हरीपुर में हमारा रोज़ 5,740 बैग्स तकसीम हो रहे हैं 20 KG का, 10 KG का, सॉरी पूरे 10 KG का बैग्स 5,740 तकसीम हो रहे हैं। एकदम डेली 16 से लेकर 18 बजे तक इससे समय जो पॉलिसी है तकसीम करने की आटा का डिप्टी कमिश्नर साहब मंजूर करते हैं, उसको डेली बेसिस पे 16 से 18 पीसीस में आटा बना तकसीम हो, 20 बेसिस पे होते हैं हर विलेज काउंसिल में, 2018 विलेज काउंसिल से 16 विलेज काउंसिल जा रहे हैं और थ्रू आउट हमारे डिस्ट्रिक्ट में 180 विलेज काउंसिल से तकरीबन 11 दिन बाद 12 दिन बाद हर विलेज काउंसिल का दोबारा नंबर आ जाता है, वो दोबारा उसको आटा मिल जाएगा। अभी जो सस्ता बाजार है हमारा, वहाँ पे डेली बेसिस में हमारा सेक्शन जो कोटा है 574 बैग्स 10 KG के हैं, वो डेली बेसिस में यहाँ तक सीम हो रहे हैं। पहले आपने शुरू में देखा होगा कि हमारा सिस्टम कभी मुनफर था, आटा ट्रक आके लगता था, लोगों की लाइन लग जाती थी, लोग अफर तफरी में आगे पीछे होते थे और कोई एक थैला लेता था, कोई दो थैले ले लेता था, जिस वजह से कोई रह जाता था, गरीब कमज़ोर था वो रह जाता था। उसको हमने चेंज करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज पारक साहब ने खसूसियत आया और डीसी साहब खसूसियत आया, हमने उसे सिस्टमेटिक करने के लिए लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू की। उस रजिस्ट्रेशन में हमने उनको एक कार्ड दिया, टोकन देते हैं, जो कॉफी डेट देते हैं, खान डेट को वापस देते हैं, एक आटे का थैला देते हैं हम, 7 दिन बाद उसे दोबारा रिपीट करते हैं, 7 दिन बाद आप दोबारा आके उस आटे के थैले और मजीद आटे का थैला ले जाएँ। अब आटा क्योंकि कम है इस वजह से हमने एक थैला रखा हुआ है। अब अगर एक घर के 4 शादी कार्ड है तो 4 थैले ले जा सकते हैं, वो 1 शादी कार्ड भी एक अलाउड है और 4 थैले मेरे हिसाब से अगर एक फर्द खानदान के 4-5-6 फर्द हैं तो उसके लिए काफ़ी होता है, पर क्योंकि आटा कम है इस वजह से हमने फिर वक्त इसको एक थैला रखा हुआ। अगर मजीद कोटा बढ़ गया तो हम इसको 2 थैले करेंगे। हम आवाम की सहूलत के लिए बैठे हुए, हम गवर्नमेंट के सर्वे में आवाम के ये काम है, आवाम को हम सहूलत देंगे मजीद। अब जैसे हमने सिस्टमेटिक करने के लिए रजिस्ट्रेशन का मशीन किया, टोकन दे रहे हैं, वो दोबारा 7 दिन बाद आके अच्छे तरीके से लाइन में लगते हैं, लाइन में तो हैं, रश तो है, लाइन में लग के अपना वो आटा ले लेते हैं, लेकिन डबले नहीं होता है, तो एक बंदा 2 थैली नहीं ले रहा। हमने कोशिश की इज्जत के साथ एहतराम के साथ उन्हें मिले, क्योंकि पूरे मुल्क में एक क्राइसिस है, मैंने आपको पहले कहा हमारे सूबे में क्राइसिस है आटे का, तो हम हमारी कोशिश के ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग जितने फैसिलिटेट हम अपने एंड पे कर रहे हैं। हमारा आपने स्टाफ देखा होगा, हमारे तकरीबन 10 स्टाफ हैं जो सस्ते बाजार में काम कर रहे हैं डेली बेसिस। सुबह हमारे हम 8 बजे में खुद आता हूँ, ठीक है, सस्ते बाजार में वहाँ पे स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 11 से 11:30-12 बज जाते हैं वहाँ पे, और हमारा 8 का नंबर स्टाफ वहाँ काम कर रहे हैं। रोज़ 574 थैले तकसीम हो रहे हैं 10 KG के सस्ते बाजार में, और जिनको हम कार्ड बनाए हैं पहले वो लोग भी आ रहे हैं, नए कार्ड भी बन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये गरीबों के लिए आटा आता है तो ये आपकी जो वैन है उस पर अवामी नुमाइंदों की पिक्चर होती है,
तो ये आप ये कहाँ से आप किसने आपको इजाजत किसने दी है? एक क्वेश्चन तो हम ही आया है, दो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपने क्वालिटी के हवाले से मेल किया था, उसका मैं जवाब दे दूँ। क्वालिटी के हवाले से इस तरह है कि हर फ्लोर में हमारे फ्लोर डिस्ट्रिक्ट में 10 फ्लोर मेंस हैं। 10 फ्लोर मेंस पे हर वीकली बेसिस पे 10 दिन बाद उनका सैम्पलिंग होती है आटे की। सैंपल का नमूना लेके पेशावर लेबोरेटरी भेजा जाता है, वहाँ पर उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट उसका ठीक है तो वो पास है, उससे अगर सब स्टैंडर्ड है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें सील भी होती है, उनका कोटा ही बंद होता है, फाइन भी हो सकता है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि 70% आटा होगा, 18% उसमें फाइन होगा और 12% उसमें चोकर होगा। 70% वहाँ से आटा निकालेंगे, जो थोड़ा सा सॉफ्ट आटा होता है, नज़र आने में सॉफ्ट आटा होता है लेकिन सेहत के लिए मुफीद है, क्योंकि गवर्नमेंट वो चीज़ अलाउड करेगी जो सेहत के लिए मुफीद होगा, वो सफ़ेद आटा नहीं होता है। इस वजह से थोड़ा सा लोग कहते हैं कि सोच गया कि इसमें चोकर से ये चीज़ें, बार दफ़ा हमारे कंप्लेंट आती है किसी गवर्नमेंट की, हम यहाँ के स्पॉट जो सस्ते बाजार में है वहाँ भी चेक करें, डेली बेसिस पे हमारे स्टाफ डिस्ट्रिक्ट तारे साहब और मैं भी और दूसरे एस सी साहब साहब भी विजिट करते हैं फ्लोर में सर, और जो पॉइंट में तकसीम हो रहा है वहाँ विजिट करते हैं, हम स्पॉट वहाँ से सैंपलिंग को कलेक्शन करते हैं और बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग होती है। जिस फ्लोर मिल का अगर शिकायत आती है जिसका सब स्टैंडर्ड होता है उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होती है। आज आज हमने आपने देखा होगा, आप खुद भी आप मौके पर आए थे, इंशाल्लाह आटा मेरे हिसाब से ठीक था, सभी बात पर सैंपलिंग भी हो रही है, मैंने कहा 10 दिन बाद भी बेसिस पे 15 बेसिस पे हम उसकी सैंपलिंग दूसरे आपने क्वेश्चन किया था हमारे जवानों का जी, इसमें सुबह गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप सरकारी जितने MPS और नुमाइंदे हैं जो गवर्नमेंट के वो इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है, उनकी हदायत होती हैं, वो एक शेड्यूल हमें देते हैं, BCs की सतह पे जो हमारा शेड्यूल है वो उनके साथ ग्रेजुएशन के बाद मंजूरी से वहाँ मंजूर होता है और जारी होता है। वहाँ पे उन्होंने अपने BCs में नुमाइंदे में कर दिया कि भाई ये नुमाइंदा वहाँ मेरा भाड़ा होगा, ना कि वहाँ क्वालिटी भी ठीक हो और क्वान्टिटी भी ठीक हो और लोगों को कोई तकलीफ ना हो किसी जगह पर। हम रोज़ कितने हमारे 18 BCs में रोज तकसीम हो रहा है, तो वहाँ पर BC चेयरमैन या और कोई MPS का नुमाइंदा या और कोई मजद आदमी वहाँ पर वो मॉनिटर कर रहा होता है, बाकायदा तौर पर उसकी रिपोर्ट्स हमें आती हैं, हम भी उनसे डिस्कस करते हैं और ये तस्वीर वगैरह तो ज़ाहिर है जिस हल्के का जैसे हल्के का MPS होगा वजीर होगा उसकी वो लगी होती है पिक्चर वगैरह तो उसकी निगरानी करते हैं, ये पॉलिसी को। अच्छा सर, राय के मुताबिक हर BC को 500 तोड़ा जो है वो दिया जाता है, इसमें कितनी सदाकत है कि 350 जो है वो तोड़ा तकसीम होता है, बाकी तोड़ा जो है मिल में ही रह जाता है, फिर बाद में जो है वो कैंपों में वो बेचा जाता है, तो इसमें कितनी सदाकत है? इसमें हर विलेज काउंसिल का 500 तोड़ा छोटा नहीं है, पहले तो मैं आपको लिख लिया तकरीबन हर और मिल्स का 570 थैला डेली का कोटा, 10 KG का कोटा सेंक्शन कोटा वो 574 थैले रिड्यूस करती है। वो अब उसे हम शेड्यूल जो देता है बाज़ का तो उसको 2 VC देते हैं दिले, हम बाज़ का हम उसे 3 VC देते हैं, वो फिर तकसीम हो जाता है, मतलब 574 2 VC अगर उसने आज उसका शेड्यूल है तो तकसीम होकर 500 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, जो जिस तरह भी तकसीम होता है वो तकसीम होकर 2 जगह पर चल जाएगा। और वहाँ पर ये मैं आपको पहले बताया कि वहाँ पर जो निगरानी कर रहे हैं BC चेयरमैन उनके MPS के नुमाइंदे और जो भी सरकारी ये सारे वहाँ पे निगरानी उसकी कर रहे हैं, तो जिसकी भी कोई शिकायत आती है उसकी कार्रवाई करते हैं, कमी पेशी की शिकायत आती है इसने कम लाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कितनी शिकायतें आई हैं और कितने शिकायतों पे जो आपने ऐसा जिस तरह की अभी तक कोई बड़ी शिकायत नहीं आई हमारे पास, तकरीबन पूरा चल रहा है। अब तक कितने तोड़े तकसीम करते हैं? अब तक दे दीजिए हमारा 5,740 तो इसकी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितने। अलबत्त मैं आपको सस्ते बाजार के बारे में बता दूं कि अभी तक हमने तकरीबन 4,450 लोगों से ऊपर भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, 4,450 लोग भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, छोटी मामूली बात नहीं है, इसको ज़्यादा रोज के तौर पर आप देख रहे हैं 5,000 लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, मजीद रश बढ़ती जा रही है, इसको हम मजीद कोशिश कर रहे हैं कि मजीद मुनज़म करें, मजीद इसमें सहूलत लाएँ, वरना ये रोज़ आप देख रहे हैं, आज भी आपने देखा रश बढ़ती जा रही है, हमारी कोशिश हम इससे ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा जा नहीं सकते, लोगों को लेट ना कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, डी सी साहब से बात करें, इसका कोटा मजीद हम बढ़ाएँ।
अच्छा सर, आप तमाम कौंसिल को ये दे रहे हैं आटा तकसीम करने के लिए, तो विलेज कौंसिल के जो अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब हुए हैं जिन्होंने वोट उनको नहीं दी, उनको नहीं दे रहे, ये आपके नोटिस में है या आपका जो एक एहलकार आपका साथ होता है ये आपके नोटिस में आया है? जी, ये मैंने आपको पहले बताना कि जो नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, ये उसका होना जरूरी है साथ, दूसरा जो सेक्रेटरी है उस पार्टी के नहीं है वो भी खड़े होते हैं, वैसे दो जो भी वहाँ पे होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो वो उनके सामने होते हैं तस्वीर होते हैं। अच्छा, कोई सेंशन नहीं किसको नहीं देना, उसमें पब्लिक के लिए ये आता है, पब्लिक को मिलेगा पब्लिक के नोटिस में ये बात आई है, नोटिस में आती है बात, प्रॉब्लम्स आ रही है, मसाइल आ रहे हैं कि हमें मतलब वो तकसीम कर रहा है, हम कह रहे हैं ये पब्लिक के लिए आता है, तकसीम कर रहा है तो निगरानी कर रहा है ना, दोनों निगरानी कर रहे हैं, एक पार्टी भी कर रहा है दूसरी पार्टी भी कर रहा है, लेकिन पब्लिक को तो मिल रहा है ना, पब्लिक को हम पब्लिक के जिम्मेदार हैं, तो पब्लिक एक एक फैला दो दो फैले जहाँ बीसी से वहाँ मिलने चाहिए, कोई अवामी नुमाइंदा अपने घर ना उतार दे, कोई जिस तरह उसकी ब्लैक मार्केट में मुनाफत ना हो, कोई ये ना कह दें जो 50 ले रहे हैं, कोई ये ना कह दें 10 ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये बताएं कि कौन सी मिल्स जो है ना जो है आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 मिल्स हैं, तो इसमें जो है दो गाड़ियाँ आती हैं या चार गाड़ियाँ आती है, उसमें से दो गाड़ियाँ या एक गाड़ी में जो है ना उनसे जो आटा होता है वो ठीक है, बाकी जो है वो ट्रैक के मुताबिक जो है वो खाने के लायक नहीं होता। जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट उसको हम पाबंद है, ठीक है, उसमें हम प्रॉब्लम पाबंद है, जो स्टैंडर्ड जरूर है, तो जो दवाई शादी है हमारे साथ दरवाजे हर बार खोलने, किसी को किसी की भी शिकायत हो तो इंतजार।